हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टाइम तो आप लोगों ने देख लिया होगा, 11 बजने वाले हैं और देर हो रही है। मुझे जाना है, तैयार हो चुकी हूँ। नेहा लेट आएगी, वो पिछले 3-4 दिन से लेट ही आ रही है, तो मैंने कहा फिर आज भी लेट ही आना। और ये नाश्ता चीज सैंडविच है और ब्रेड बटर, इसमें शायद इन्होंने सॉस लगा दिया है। चलो खाते, क्योंकि इन्होंने ही बनाया है। मैं नहाने चली गई थी, मैंने कहा मैं ऐसे तो घर नहीं छोड़ कर जाती थी, तो वॉश बेसिन और घर समेटना, झाड़ू लगाना, फिर जो है बाथरूम में भी एक दो काम हो जाता है, और फिर जो है 2-4 बर्तन भी करे जो ज़रूरी ज़रूरी है, दूध उबालने रखना, अपनी एडिटिंग करना। फिर मैं नहाने चली गई थी तो चाय और ब्रेड का काम इन्होंने कर दिया था। तो अभी नाश्ता करते हैं। कुछ भी समझना है ना, तो अगर पनीर है तो पनीर में प्याज हरी मिर्च डालिए और सैंडविच बनाइए, हरा धनिया भी डालिए, और अगर वो भी नहीं है, चीज़ ब्रेड है, तो इस तरीके से टेस्टी। नहीं, इन्होंने शायद पास्ता सॉस लगाई है, क्योंकि सॉस का टेस्ट नहीं है। हो गई हूँ मैं रेडी। सूट में नहीं वाला पहन लिया, मैंने कहा कोई और से क्यों, अच्छे अच्छे सूट पहन के जाने चाहिए, मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। वैसे ना मैंने कानों में पहनने थे, मैं निकाल दिए, मैंने कहा क्या पता वहाँ निकलवाने लगे, तो निकाल के ही चलती हूँ कानों में। तो देखते हैं चलो क्या होता है ना। वैसे तो जहाँ तक है होगी स्मूथनिंग, पर फिर भी थोड़ा सा है कि होगी कि नहीं होगी। मैं कटिंग ले लूँगी, फिर कलर वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा। आप लोग तो देख भी चुके होंगे, जब ये वीडियो हो जाएगा तब तक हो भी चुका होगा, आपको थंबनेल से समझ आ जाएगा, टाइटल से समझ आ जाएगा, बस मुझे नहीं पता अभी तक, स्किप करके चले जाओगे आप लोग। तो पार्लर आ गई थी और फिर सबसे पहले भैया ने बाल बाल चेक किए, मैंने उनसे बातचीत की थोड़ी बालों को लेकर, फिर उसके बाद जो है कटिंग वाला चीज़ भैया बोल रहे थे आपके ऊपर है, आपने करानी है करा लो, स्मूथनिंग करानी है स्मूथनिंग करा लो। तो काफ़ी देर मैंने सोचा, फिर जो है 12 बजे के करीब मेरी ये स्मूथनिंग शुरू हो गई थी। पहले उन्होंने हेयर वॉश किया, फिर जो भी वो क्रीम वगैरह लगाते हैं जिससे उसमें कुछ होता होगा बालों में ना, वो थोड़ा बहुत स्ट्रेट तो उसी से ही हो जाते हैं वो, तो अभी वही मेरा हुआ है। और बस बोर होना है, बैठना है या फिर फ़ोन देखना है, फ़ोन भी कितना देखे बंदा है ना। तो मैं थोड़ी देर तो ऐसे ही बैठ गई थी आँख वाँख बंद करके, फिर बीच बीच में हुए जा रहा था दोबारा से हेयर वॉश करना, प्रेसिंग करना, ये सब चल रहा था। और बीच बीच में भैया भी आकर जैसे बात कर रहे थे, कुछ वो कलर का दिखा रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे कलर भी कराना है। और बोरियत बहुत तगड़े वाली होती है जब आप 3 से 4 घंटे पार्लर में होते हैं, ख़ास तौर से स्मूथनिंग कराते हैं। और मेरे को अभी फेशियल हेयर भी वैक्स कराने हैं, तो वो मैं आज तो नहीं कराऊँगी, वो मैं कराऊँगी
अभी जब दोबारा जाऊंगी तब, क्योंकि मेरे को अभी नहीं कराना है, आज बहुत लेट हो जाएगा इन सब चीज़ों में ही। तो देखो वो क्रीम व्रीम लगी थी, उसके बाद दोबारा से हेयर वॉश हुआ है, हो रहा है अभी भी, तो यहाँ पे सर धुलना शुरू हो चुका है। टॉवल मैंने अपना मंगा लिया था, बहुत कम होता है कि मैं पार्लर में जैसे फेशियल वगैरह भी करा रहे हैं वहीं का वो यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे को दाने वगैरह हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा ना इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, अपना टॉवल वगैरह ले जा लेना चाहिए जब भाई होता ही है हम सबके पास घर में। मैंने तो खैर नया मंगा लिया था क्योंकि मेरा टॉवल ख़राब भी हो रहा है और मैं भूल गई थी लाना, तो मैंने विपिन को फ़ोन कर दिया था कि यार टॉवल दे जाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं दे जाऊँगा। तो ये जो व्हाइट कलर का टॉवल, वाइट नहीं है, लाइट ब्लू कलर का है, तो वो जब क्रीम हटाई ना, उसे हटाने के बाद ना अपने आप ही बाल स्ट्रेट से महसूस हो रहे थे। और मैंने कौन से वाला कराया है आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछेंगे, और कितने पैसे लगे हैं ये वो मुझे, क्योंकि होता है देखो बहुत सारे लोग हैं वैसे जो कमेंट देख मतलब वीडियो देख रहे होंगे, वो बहुत सारे लोग करा चुके होंगे, तो 4 से 5 हज़ार का लगता है, बाकी आपकी सिटी के हिसाब से, आपके पार्लर के हिसाब से होता है। कोई भी चीज़ हो उसकी वैल्यू आपकी सिटी और आपके पार्लर पे डिपेंड करती है कि देखो भाई कैसा पार्लर लिया है आपने, कहाँ आप सर्विस ले रहे हो, कौन सा शहर है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो हमारे यहाँ जो चार्ज जो आपके यहाँ हो सकता है उससे कम भी और उससे ज़्यादा भी हो। तो यहाँ पे एक बार हेयर वॉश हो चुके हैं, अब जो है ड्रायर वगैरह कर रहे थे, उसके बाद तो जो है इसमें प्रेसिंग हुई थी जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, जिसमें बहुत टाइम लगता है, लगभग लगा लो कि 40-50 मिनट या 1 घंटा लगता होगा। लेकिन ये क्रीम लगाने के बाद जब हेयर वॉश हुई, अपने आप ही स्ट्रेट स्ट्रेट से लग रहे थे, लेकिन शाइन नहीं आई थी। तो शायद शाइन लाने के लिए वो जो है प्रेसिंग करते हैं, तो अच्छे लग रहे थे बाल, बल्कि इस तरीके से ही अच्छे लग रहे थे। जब वो बिल्कुल चिपक जाते हैं ना, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। फिर यहाँ पे मेरी चार चोटियाँ बना दी गई, पार्टीशन कर दिया गया ताकि प्रेसिंग करने में इजी रहे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कहा ये देखो मेरे को वो लग रहा था, मैंने कहा यार अच्छी भी लग रही थी चोटियाँ, भैया ने बड़े अच्छे से करी थी। उन लोगों को होता ही है कंघी वंगी करके जैसे बहुत मांग मांग निकाल के इस तरीके से करते हैं। और फेशियल भी देखती हूँ, हाइड्रा वाला भी है भैया के यहाँ पे, और मैं यहीं आती हूँ, आप लोग भी देख रहे हो, और पिछले 10 साल हो जाएंगे 2025 में, क्योंकि 2015 से हम जा रहे हैं, 2015 पता नहीं 14 से, पर हो गए हैं 9-10 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर दोबारा हेयर वॉश हो रहा है, क्रीम लगी थी प्रेसिंग करने के बाद, ये लास्ट स्टेप था। उसके बाद जो है भैया मेरे को दिखा रहे थे, मतलब उन्होंने भी अपना कोई एक आधा वीडियो वगैरह बनाया था, और मैं भी अपना यहाँ पे एक वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। अभी मेरे को 2-3 दिन बाद दोबारा से आना है, और मुझे चश्मा भी चेंज कराना है, तो परसों वीरवार में जब दोबारा आएंगे हेयर वॉश के लिए, तब जो है मैं अपना चश्मा वगैरह भी करा लूँगी, और बाल का तो मेरा हो गया है। और विपिन जी आ गए थे लेने के लिए, मैं रिक्शे से ही बोल रही थी कि चल मैं आ जाता हूँ लेने, मैंने कहा तो बढ़िया है, थोड़ा रिक्शे का फिर वेट करना पड़ता, घर पे जो है बच्चे हैं। नेहा भी शाम में ही आई थी, तो फिर शाम में कोई गांव के भैया थे, मैं उनको देख रही थी, आपने भी देखा था, फारूक भैया थे। तो चलो भाई चलते हैं, इसका जो है डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब टाइम समय नज़दीक आ रहा है, समय नज़दीक आ रहा है, और मतलब कुछ कुछ डिज़ाइन है, तो विपिन कह रहे थे अभी मतलब टाइम निकाल ले। और फिर हाँ विपिन को भी जाना है देहरादून अपनी कोई गाड़ी वाड़ी देखने के लिए। मैं जो है अपनी साड़ी जो लेने वाली हूँ, वो मैं सोच रही हूँ कि जब हमारा ओपनिंग होगी उस दिन लूँ। मैं साड़ी पहनूँ क्या पहनूँ, मुझे साड़ी की तरफ ज़्यादा जा रहा है कि मैं साड़ी ही पहनूँ, मतलब और कुछ गाउन वगैरह ना, ये वो, मुझे साड़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। अब आप लोग बताना, बाकी बच्चों से भी पूछूंगी, गुड्डू और खुशी दोनों बताएंगी, क्योंकि वो भी पूरा कि ऐसे करना है वैसे करना है ये करना है वो करना है, बेटियों का होना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, वो हर चीज़ में बताते हैं। और इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें अब जो है शुरू हो चुकी हैं फरवरी में, क्योंकि मार्च के एंड में जहाँ तक है ओपनिंग होगी, मार्च के एंड में नहीं हुई तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, बाकी तो जो भगवान जी है ना उन्होंने वो जो डेट लिख दी वो लिख दी। अभी हमें पंडित जी से भी पूछना है, और जो हम लोगों में थापे की पूजा की जाती है वो भी होनी है, तो वो भी मैं ताई से कल पूछ रही थी, वो बल्कि भाभी ने याद दिलाया था, भाभी बोल रही थी वो पूजा होगी, तो फिर वो सारी चीज़ें भी करनी है, वो फैमिली मतलब जो हम लेडीज होती हैं वो सब में ही होता है, तो वो भी होगा एक दिन किसी दिन। जहाँ तक है ये सब चीज़ें होली के बाद ही होगी, थापे की पूजा भी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना होली से पहले ये सब चीज़ें नहीं होती। और थैंक यू सो मच, आप लोग भी मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना मतलब मेरे को कमेंट करके बताते हो ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, तो उन चीज़ों के लिए भी आप लोगों का बहुत सहयोग मिलता है। और चलो घर चलते हैं, फिर घर पर मिलते हैं आप लोगों से।
इधर लगी हुई है पीठ, तो हम लोग रुक गए सब्जी लेने के लिए। मैंने कहा सब्जी ले लेते हैं क्योंकि पीठ में ना सब्जी अच्छी मिल जाती है, फ्रूट हो सब्जी हो, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं जब हम पीठ के टाइम पर हैं। तो विपिन गए हैं लेने के लिए, मैं नहीं गई, बाल बाल खुल रहे हैं ना, अजीब लगेगा पीठ में, मैं मतलब बाल बाल खोल के, तो मैंने कहा आप ही चले जाओ क्योंकि मेथी और पालक लेना है, और सब्जी तो मिल जाए पर यहाँ पे ना मेथी पालक बहुत अच्छा मिल जाएगा साफ साफ। कितने सारे लोग हैं अंदर, देखो तो दिख नहीं रहे, देखो उधर की साइड, उधर की साइड तक है। वालों को तो बांधना ही नहीं है, अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी अभी 2-3 दिन इनके साथ, और फिर भी ना इनको टाइटली तो बांधना ही नहीं है। और इन बालों का मुझे कोई ऐसा चाहो तो चढ़नी ना, गुड्डू करती है अरे मम्मी आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे, हाँ अच्छा लग रहा है, देखो अच्छा लगता है, बार बार स्ट्रेट नहीं करने पड़ेंगे, हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम कराया था ना तब मेरे को बड़ा शौक था, बहुत ज्यादा शौक चढ़ा था, तो अभी तो मैं इसका एक्सपीरियंस ले चुकी थी। और पता है ये सब कराने से बाल भी बहुत खराब, बहुत तो नहीं कम खराब हो या जो भी हो, पर कुछ चीजों के लिए जैसे मैंने आपको कहा करवानी पड़ती है, कुछ चीजें करनी पड़ती है। तन्मय मुझे पता था वो ही होगा क्योंकि 6 बज गए हैं शायद, मैंने उसको बोला था 6 बजे आ जाइए फिर तुझे पढ़ना भी है और खाना वाना भी होगा। चलो अंदर चलो, मम्मा बात कर रही है। तो वो प्लास्टिक वाला डब्बा है ना हॉटपॉट के नीचे, उसमें आपके केक्स रखे हैं, वो खा लो, वो खुले हैं फिर खराब हो जाएंगे। तो हाँ मैं ना पता है कुछ बात करने वाली हूँ आप लोगों से, ये बात करने वाली हूँ आज का कमेंट बॉक्स, मतलब जो ये वीडियो तो कल जाएगा मंगलवार को, जो आज सोमवार में गया था शानू की विदाई वाला, उस पर बहुत ज्यादा एक तो ये कमेंट, उसके नीचे बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स आना, हालांकि मैंने वहां भी रिप्लाई किया लेकिन फिर भी लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। देखो मैंने हमेशा कहा है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं जिस तरह वीडियो में रख सकती हूँ उस तरह से आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं या किसी भी चीज को लाइक और डिसलाइक करके रख सकते हैं। तो वहां पे जैसे ये हो रहा है आप सागर बोल रहे हो ये वो, तो आप एक बात बताइए, मैं उसका भाई, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि हाँ भाई मेरी देवरानी का भाई है, तो उस वजह से मैं इस तरह से उससे बात पहले से ही करते हैं, अब एकदम से कैसे वो हो। चलो फिर भी मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे ये वो। और दूसरी चीज ये कि आप ऐसे मत बोलो उनके सामने, शानू खुशी के सामने या फिर वो ब्लॉग देखेंगे, कि ये चीज ना मुझे पहले भी बोली गई थी, मैंने तब भी इग्नोर की थी, मतलब 3-4 बार आ गया। देखो शानू हो, खुशी हो, हम सब समझदार हैं, शानू खुशी बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें देखी हैं, शायद वो मुझसे भी ज्यादा समझदार है, क्योंकि जो लाइफ का फेस उन्होंने देखा है ना वो दर्द में बहुत मैं अच्छे से तो नहीं समझ सकती क्योंकि, लेकिन जैसे मेरी भूमि है उसकी लाइफ में भी कुछ कुछ यही है, बस भगवान की कृपा से उसके पास मम्मी है। तो जैसे आप कमेंट था कि आप उनके सामने से बोल रहे हो कि गुड्डू को कैसे मैं विदा करूंगी, कि अब खुशी भी आपकी बेटी है, शानू भी है, देखो बिल्कुल है, मैंने भूमि का नाम भी वहां नहीं लिया क्योंकि देखो मैं मेरी जगह हूँ, उनकी चाची हूँ, वो उनकी जगह है। आप देखो अगर यहाँ पे शानू खुशी की बात है तो जैसे शानू खुशी एक दूसरे के लिए जो उनका बॉन्ड है, जो उनका लव है, वो गुड्डू या फिर उनकी चाची की लड़की या फिर उनकी बुआ की लड़की, वो उस चीज में नहीं आ सकते, वो वही है गुड्डू के साथ, यहाँ देखो खुशी रह रही है, लेकिन जो शानू खुशी के लिए है वो गुड्डू नहीं हो सकती, और ना मैं चाहती हूँ कि वो हो, गुड्डू गुड्डू की जगह रहे, शानू शानू की जगह रहे, और जो उन दोनों का बॉन्ड है, जो उन लोगों का कनेक्शन है, जो उन लोगों का प्यार है, देखो वो एक अलग है ना, सबका प्यार अपनी जगह होता है। तो इसी तरीके से जैसे आप मेरे को बोल रहे हो कि आप ऐसे मत बोलो, तो देखो जो गुड्डू और यहाँ पे मैंने शानू खुशी की बात की थी, अब आप सोचिए कि खुशी शानू मेरे साथ पहली बार तो नहीं कहूंगी, पहले भी रही है, लेकिन बड़े होने के बाद वो मेरे साथ अभी रही है 10 साल बाद जैसे मैंने बताया, और दूसरा शादी के बाद, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, मैं ऐसे ही जल्दी से नहीं रो पाती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल, अब आप सोच सकते हो मैं उसके साथ कितना अटैच हो गई थी। और अगर बात करें फिर खुशी की, तो खुशी के साथ तो फिर आप लोग सोच ही सकते हैं कि मैं कितना अटैच हो गई होंगी, मैं उसको डांटती भी हूँ, मैं उसको बोलती भी हूँ, कई बार मैं खुद भी सोचती हूँ नहीं यार, क्योंकि देखो मुझे होता है कि यार ये चीज जगह पे रखो, तुम दोनों की जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग बोलते हैं आप गुड्डू को, मैं गुड्डू को गुड्डू वाली चीजें बोलती हूँ, खुशी को खुशी वाली चीजें बोलती हूँ, वो थोड़ी बड़ी है, और इस तरीके की अगर चीजें होंगी कमेंट बॉक्स, तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी लगता है और मुझे खुद फील होती है, तो मैं इसीलिए यहाँ इस तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं तो वो भी इस चीज को समझेंगे कि हाँ भाई मैं ठीक बोल रही हूँ।
तो ऐसे ही जैसे आपने बोला कि उनके सामने मत बोलो, खुशी गुड्डू को कंपेयर मत करो, खुशी गुड्डू जैसी है, तो मैं यहाँ ये झूठ नहीं बोल सकती। खुशी अपनी जगह है मेरे लिए। मैं जैसे बोला 20 दिन में मुझे शानू से इतना अटैचमेंट हो गया कि वो गई, मैं उसकी विदाई पे भी नहीं रोई थी, मुश्किल से आंखें गीली हुई होंगी, लेकिन जब वो अभी मेरे यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल गई तो मैं रोई। तो अब किसी से हमें अटैचमेंट हुआ तभी वो फीलिंग आती है। तो खुशी के लिए आप सोच ही सकते हो कि अगर उसकी शादी यहाँ से होती है बाई चांस, तो फिर मैं कितना, मेरे को रोना होगा कितना, मतलब मेरे को फील होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसकी शादी यहाँ से, उसकी शादी वहाँ से ही हो सकती है, उसकी दादी के यहाँ से ज़्यादा चांसेस है उसकी शादी होने के। तो और फिर वही वाली बात, हाँ मैं क्या कह रही थी कि तो आप गुड्डू गुड्डू की जगह है, खुशी खुशी की जगह है, तन्मय तन्मय की जगह है, सबकी अपनी जगह होती है। तो ऐसे आप चीज़ों को प्लीज़ मिक्स मत कीजिए। और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे नहीं पता ये व्लॉग बड़ा हुआ, आजकल छोटे छोटे से व्लॉग जा रहे हैं। और जो खुशी का प्यार है वो खुशी का प्यार है भाई, क्यों भाई है? तेरे को क्या लगता है? ऐसे कमेंट आया था ना, मतलब कि चल तू व्लॉग देख ही लेगी, पर ऐसे मेरे को लगता है जैसे शानू खुशी है, तू और तेरा खुशी का जो बॉन्ड, तेरा और शानू का जो बॉन्ड है, जो प्यार है, जो कनेक्शन है, वो एक अलग है, वो किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि सबका अपना है ना। अभी ये अपनी चाची के साथ भी बहुत अटैच है, मेरे साथ भी हो गई है, लेकिन जो चाची के साथ होगी वो चाची के साथ होगी, जो मेरे साथ कनेक्शन होगा वो मेरे साथ होगा, जो शानू के साथ, भाई सारी चीजें अपनी अपनी जगह रहनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए, सबका प्यार अपनी जगह होता है। हाँ कुछ लोग हमारी लाइफ में बहुत खास हो जाते हैं, उनमें ये है मेरे लिए, तो आप प्लीज ऐसी चीजें मत, वैसे मैं इग्नोर ही करूंगी, मैं कमेंट डिलीट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कमेंट बुरा भी नहीं था जो मैं डिलीट करूं, मेरे बच्चों के लिए सोचा गया, ये मेरा बच्चा जैसा ही है, ठीक है। आप पता नहीं मैं कितना समझा पाई, जैसे कि मैंने बोला दामाद को इज्जत दें तो बहू को भी तो इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन वहां फिर कुछ किसी ने गाली नहीं दी वहां पे, चाहे कविता जी हो, चाहे एक दो और कमेंट थे, नाम याद नहीं आ रहा, काजल पता नहीं क्या नाम था, सबने अपने अच्छे अच्छे वे में ही बोला है, तो मैं उनको डिलीट भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं थोड़ी फिर इस टाइप में हूं, हालांकि मैं जानती हूं बहू बहू है, दामाद को ही जी लगाते हैं, लेकिन फिर मैं इन चीजों पे ना, मुझे ऐसे लगता है कि क्यों दामाद को इज्जत क्यों, फिर तो बहू को भी इज्जत मिलनी चाहिए ना, मतलब अरे मैंने बता दिया उस चीज को, बता दिया आप लोगों की भाई हाँ उसके साथ हमारा एक पहले भी कनेक्शन है, तो इस वजह से भी है ना, तो वो चीज है। फिर जैसे मैंने वहां बोला कि फिर तो बहू को भी जी लगाकर बोलना चाहिए, तो वहां पे मैसेज आया था कि क्यों हम मासा मासी चाचा चाची को हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन दामाद को हम जी लगाते हैं, जी नहीं, अंकल को हम अंकल जी भी बोलते हैं, आंटी जी भी बोलते हैं, चाची जी भी बोलते हैं, मामा मामी जी मामा जी और चाची जी, सब में जी लगा सकते हैं हम, ऐसा नहीं है जी लगाने को, हम हर किसी में जी लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग देखो बेटा जी बेटी जी ये करके भी बोलते हैं, तो जी तो आप किसी में भी लगा सकते हैं। और एक चीज हमें बता दो, जब हमारा ना किसी से बहुत गहरा संबंध हो जाता है ना, तो हम वहीं पर तू बोलते हैं, आप कभी भी, आपने भी देखा होगा, आप भी उन लोगों को बोलते हो जहां फॉर्मेलिटी में रहते हो, आप तुम और तू पर भी वहीं आते हो जहां आप बहुत ज्यादा करीब आ जाते हो। तो चलो पता नहीं, फिर वही वाली बात है, ऐसा नहीं है मैं पूरी तरीके से, आप मेरे को, मैं ठीक लगूं, मेरी बात से सहमत हो, कुछ लोग सहमत होंगे कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, और अब इस मैं इस बात पे बार बार बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर वही वाली बात हो। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।